जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। देखिए, टेल द ट्रूथ नियम कहता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। स्पीक द ट्रूथ होता है सच कहना, सच कहना। लेकिन टेल द ट्रूथ ही होता है, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। टेल द ट्रूथ होगा, टेल द ट्रूथ होगा, बीच में ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, बीच में ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। टेल द ट्रूथ सच कहना, सच कहा जाए तो। ऐसे टेले लाए होते हैं, झूठ बोलना, टेले लाए झूठ बोलना, टेले लाए झूठ बोलना। तो जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ, और यहाँ टोल्ड यू द ट्रूथ बिल्कुल सही है। जॉन ने आपसे कहा, झूठ कह दिया होता इफ यू हैड आस्क्ड हिम, यदि आप उनसे पूछे होते, यदि आप उनसे पूछे होते तो वह जॉन आपसे झूठ कह दिए होते। तो इफ के बाद हैड प्लस वी थ्री, इफ के बाद हैड प्लस वी थ्री, तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस वी थ्री, दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस वी थ्री, बिल्कुल सही आंसर है, कहीं कोई गलती नहीं है, डी राइट आंसर आएगा।